क्या आपको मालूम है एंशंट इजिप्शियन किस वजह से अपने आईब्रोज को इरेज कर देते थे? और क्या आपको ये मालूम है टेस्ला कंपनी की कार आधा घंटा चार्ज करने पर कितने किलोमीटर तक चलती है? और क्या आपको ये भी मालूम है कि मगरमच्छ कभी भी अपनी नेचुरल मौत नहीं मरता, उसके मरने की वजह कुछ और होती है? तो अगर आपको इन अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में नहीं पता तो बने रहिए मेरे साथ जुजू फैक्ट में। मैं आपको आज कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा इस वीडियो में जिसे आज से पहले आपने कभी ना ही सुना होगा ना ही कभी देखा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अमेजिंग और यूनिक फैक्ट आप जान सकें। प्राचीन इजिप्ट के लोग अपनी बिल्लियों से बहुत ही प्यार करते थे। इसी वजह से जब उनकी बिल्लियां मर जाती थी तो उसके शोक में उसकी याद में अपने आईब्रोज को इरेज करा देते थे। और कैट्स की बात चल रही है तो मैं कैट्स के बारे में आपको एक और फैक्ट बता देता हूँ। टर्की में मिडास नाम की एक बिल्ली रहती है। जब इसका फ़ोटो इंटरनेट पर अपलोड किया गया तो लोगों में तहलका मच गया क्योंकि इस बिल्ली के चार कान थे। इस वजह से ये बिल्ली बहुत ही वायरल हुई और इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। क्या आपने इससे पहले इस बिल्ली के बारे में सुना था? अगर नहीं तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो चलिए हम बढ़ते अपने अगले फैक्ट की तरफ। बचपन में हम जब कभी ब्लैक बोर्ड पर वाइट चौक से लिखा करते थे तब कभी हमने ये नहीं सोचा था कि इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखने में ये कैसा दिखता होगा। आज साइंस ने कुछ इस तरह से इसको पेश किया है हमारे सामने कि इसको देख के आप कहेंगे वाह, क्या ऐसा होता है चौक। अगर हम कभी किसी एक चौक को लेकर बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह पीस लें और उसके किसी एक कण को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। जी हाँ, आप भी देख के बहुत हैरान हुए होंगे, मैं भी हुआ था, क्योंकि इतना खूबसूरत डिज़ाइन एक चौक के छोटे से कण का किसी मिरेकल से कम नहीं है। बेशक इस यूनिवर्स में हमारे होश उड़ा देने के लिए बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। हमारे बचपन की यादों से जुड़ी एक और फैक्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। बेशक जब हम कभी बचपन में लिखा करते थे तो हमसे बड़ी सारी गलतियाँ होती थी, इसलिए हमें हमारे माँ बाप पेंसिल दिया करते थे कि बेटा पेंसिल से लिखो, गलतियाँ करो और मिटा दो। लेकिन उसमें भी हमसे बहुत सी गलतियाँ होती थी। हम कभी कभी मिटाते मिटाते एक लेटर की जगह दूसरे लेटर को भी मिटा दिया करते थे। इसी बात को ध्यान रखते हुए जापान के कुछ बड़े ही मशहूर वैज्ञानिकों ने एक ऐसा इरेजर बनाया है जो ट्रांसपेरेंट है, जिसके आर पार देखा जा सकता है। इसलिए अब गलतियों की गुंजाइश और भी कम हो गई है। हम इरेज करते वक्त अपने इरेजर के नीचे देख सकते हैं कि हम कौन से लेटर को मिटा रहे हैं और कहाँ पर हमें रुकना है। काश हमें भी ये बचपन में मिला होता तो शायद स्कूलों में हमारी पिटाई थोड़ी कम होती। मगरमच्छ एक ऐसा जानवर है जो पानी और ज़मीन दोनों पर ही शिकार कर सकता है, लेकिन क्या आपको मालूम है इसकी मौत कैसे होती है? आमतौर पर किसी जानवर या किसी इंसान की उम्र की बढ़ने की वजह से धीरे धीरे उसका शरीर कमज़ोर होने लगता है, जिसकी वजह से उसकी एक नेचुरल मौत हो जाती है। लेकिन मगरमच्छ के साथ ऐसा नहीं होता है। उम्र के बढ़ने से क्रोकोडाइल का शरीर कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ता। जो ताकत एक 10 साल के मगरमच्छ की होती है वही ताकत एक 70 साल के मगरमच्छ की होती है। लेकिन इसकी मौत कैसी होती है? इसकी मौत की वजह है खाना। अगर इसको खाना ना मिले और ये भूखा रहे तो ये भूख की वजह से मर जाता है, या फिर कोई दूसरा बड़ा जानवर मगरमच्छ का शिकार कर ले तो ही इसकी मौत हो सकती है। लेकिन उम्र के बढ़ने की वजह से कभी भी मगरमच्छ की मौत नहीं होती है। आज हम में से हर किसी को मालूम है कि धरती पर इंसानों से पहले डायनासोर रहा करते थे और उसके खात्मे की वजह एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड था। क्या आपको मालूम है कि वो एस्ट्रॉइड कहां पर गिरा था और उसकी लंबाई कितनी थी और उसकी चौड़ाई कितनी थी? तो चलिए मैं आज आपको इस फैक्ट के बारे में बताता हूँ। चिक्सोलोक क्रेटा नाम की इस जगह पर आज से करोड़ों साल पहले एक एस्ट्रॉइड गिरा था, जिसकी वजह से डायनासोर आज इस धरती पर नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस एस्ट्रॉइड की लंबाई 150 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 20 किलोमीटर तक बताई है। बताओ इतना बड़ा एस्ट्रॉइड गिरेगा तो कौन बचेगा? हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी में हमने अक्सर देखा है कि एक आदमी को ऑपरेशन करके उसको आधा मशीन आधा इंसान बना दिया जाता है, जिसे वो साइबर बोर कहा करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है रियल लाइफ में भी एक साइबर बोर एग्जिस्ट करता है
यूके में पैदा हुआ ये शख्स जिसका नाम नील हेबर्सन है, यूके की गवर्नमेंट ने इसको ऑफिशियली साइबर बॉर का खिताब दिया हुआ है। नील को बचपन से एक्रोमेटोपिया नाम की एक बीमारी थी। इस बीमारी में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगता है। जब नील 21 साल के थे तब इन्होंने खुद से एक मशीन बनाई जिसको उन्होंने अपने ब्रेन से कनेक्ट कराया और अपने सिर में ऑपरेशन करके फिट कराया, जिसकी वजह से वो उस मशीन से सभी चीज़ को कलरफुल देख पाते हैं। वो होता ऐसा है कि ये मशीन चीज़ों के कलर को एब्जॉर्ब करती है। वाइब्रेशन और सिग्नल के ज़रिए ये मशीन नील के दिमाग तक कोऑर्डिनेट्स भेजती है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को कलरफुल देख पाते हैं। वैसे तो दिखने में ये एक आम सा इन्वेंशन लगता है, लेकिन साइंस की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी बात है। हमने बचपन से लेकर आज तक अपनी ज़िंदगी में कई सारे फूलों को देखा है और उसकी खुशबू को महसूस किया है, लेकिन आज मैं जिस फूल के बारे में आपको बताने वाला हूँ, बेशक आपने इसको आज से पहले ना ही कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। स्नैपड्रैगन एंटीरेनम फ्लावर, ये कोई जंगली फूल नहीं, ये एक गार्डन फूल है जो खिलने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। दिखने में तो थोड़ा डरावना है, लेकिन मैंने जैसा आपको पहले कहा था, हमारे नेचर में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें चौंकाने के लिए काफ़ी है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं आज के हमारे आखिरी फैक्ट के बारे में। टेस्ला वो कंपनी है जिसने दुनिया को सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार को इंट्रोड्यूस कराया, जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन क्या आपको मालूम है टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार आधा घंटा चार्ज करने पर कितनी किलोमीटर तक चलती है? ऑफिशियल्स की मानी जाए तो ऑफिशियल्स का कहना है कि टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार आधा घंटा चार्ज करने पर 300 किलोमीटर या फिर उससे भी ज़्यादा चल सकती है। तो आप में से कौन कौन ये कार खरीदना चाहता है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के जुजू फैक्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं अब अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।